नमस्कार, YouTube के रतनगढ़ धार्मिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं रतन वर्मा। हमारे इस धार्मिक श्रृंखला के अंदर आज हम आपको लिए चलते हैं बीकानेर। राजस्थान का बीकानेर बहुत ही सुंदर सिटी है, बहुत ही आकर्षक है। और कभी यहाँ गंगा सिंह जी महाराज का राज हुआ करता था। और बीकानेर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे को ये हो रहा है कि यहाँ की जो भुजिया है वो बहुत प्रसिद्ध है। भुजिया, रसगुल्ला और बीकानेर की पतंगबाजी, ये बहुत प्रसिद्ध है। बहुत ही सुंदर शहर है। और आज हम बीकानेर के अंदर पहुँचे हैं और आपको बीकानेर का एक वो दृश्य दिखाएंगे कि आप देखते ही रह जाओगे। आप बहुत सुंदर दृश्य आपको दिखाएंगे। हम आपको बीकानेर का वैष्णो धाम मंदिर दिखाएंगे। वैष्णो धाम मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। जब आप जयपुर से बस के द्वारा बीकानेर में एंटर करोगे तो एंटर करने से पहले एक राइट साइड के अंदर मंदिर आता है वैष्णो धाम। बीकानेर के अंदर प्रवेश करते ही राइट साइड के अंदर मंदिर आता है वैष्णो धाम। बहुत ही सुंदर धाम है। और ये वैष्णो धाम जो जम्मू के पास में जो कटड़ा है, कटड़ा से लगभग 14 किलोमीटर की चढ़ाई पर माँ वैष्णो देवी का जो मंदिर है उसी की तर्ज के ऊपर ये मंदिर बनाया गया है। प्राकृतिक नहीं है, यानी बिल्कुल उसकी नकल की गई है। यहाँ इस मंदिर को आप देखोगे ना तो आपको ये महसूस होगा कि जैसे आप पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ रहे हो और माँ वैष्णो देवी माता के दरबार के दर्शन कर रहे हो। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। और मैं रतन वर्मा यही कोशिश करूंगा कि जब आप ये वीडियो देखो तो आपको यही महसूस हो कि आप बीकानेर के उस वैष्णो धाम के अंदर पहुंच चुके हो और कभी इधर कभी उधर कभी ऊपर, यानी इधर उधर जा कर के चारों तरफ घूम करके आप वैष्णो धाम के दर्शन कर रहे हो। मैं आपको पूरे वैष्णो धाम के दर्शन आपको करवाऊंगा। और वैष्णो धाम के दर्शन के अंदर साथ साथ में एक मैं आपको और मैं बताऊंगा कि ये जो वैष्णो धाम है हकीकत में कहाँ है, ओरिजिनल जिसको बोलते हैं। ये जम्मू से दूर कटड़ा में विराजमान, वहाँ से 14 किलोमीटर की जब पैदल चढ़ाई चढ़ते हैं तो वहीं पहाड़ों के बीच के अंदर मंदिर आता है माँ वैष्णो देवी का। वहाँ माँ वैष्णो देवी साक्षात विराजमान रहती हैं, ऐसा सभी भक्त लोग कहते हैं। और वहाँ की यात्रा बहुत ही सुखद यात्रा है। थोड़ा सा वैष्णो धाम जब आप देख रहे हो तो इसको देखते रहिए, साथ साथ में मैं आपको माँ वैष्णो देवी की जो चढ़ाई है वहाँ कैसे जाते हैं, कैसे पहुँचते हैं, वो भी दृश्य मैं आपको थोड़ा थोड़ा बीच के अंदर आपको दिखाता रहूँ। मेरा ये 28 मिनट का वीडियो है। मैं घूम फिर के पूरे के पूरा ये दृश्य जो वैष्णो धाम का वो दिखा रहा हूँ। साथ साथ में जो भी वैष्णो मैया का जो दरबार है, ओरिजिनल दरबार है जो कटड़ा के अंदर है, जम्मू के अंदर, उसकी जो भी जो वहाँ जो मंदिर है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा। और इस मंदिर के लिए मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि हमने एक परिवार चुना है, वो परिवार इस मंदिर के दर्शन करेगा और वो परिवार हमारे आगे आगे चलेगा और हम उनके पीछे कैमरा लेके चलेंगे। बहुत मुश्किल से ये हमने शूटिंग की है और हम ये चाहते हैं कि हमारा ये वीडियो सभी देखें। तो आपसे निवेदन करूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट्स जरूर लिखना आप कि आपको ये मंदिर वैष्णो धाम मंदिर कैसा लगा। और दो भक्तों को आप शेयर जरूर करना। बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं इसलिए आपसे प्रार्थना करेंगे। चलो अब हम चलते हैं पहले वापस बीकानेर। हमें बीकानेर से यात्रा करनी है वैष्णो मैया की, ठीक। साथ साथ में आप वैष्णो धाम आप यहाँ का देखते रहिए। मैं आपको जो जम्मू से दूर कटड़ा में विराजमान माँ वैष्णो देवी का मंदिर है उसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले बीकानेर पहुँचते हैं और बीकानेर के रेलवे स्टेशन से हमें ट्रेन मिलती है, वो सीधे पहुँचती है जम्मू। और जम्मू से जब उतरते हैं
ट्रेन से जब उतरते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, वहाँ से हमें बस मिलती है या प्राइवेट कोई भी साधन है, हम पहुँचते हैं कटरा। और कटरा से हम पैदल चलते हैं तो वो है 14 किलोमीटर की चढ़ाई। 14 किलोमीटर की जो चढ़ाई है, बहुत आनंद आता है। बीच में काफ़ी पड़ाव है उसके अंदर, और लोग वहाँ खच्चर के ऊपर भी जाते हैं और पैदल भी जाते हैं, और कुछ लोग वहाँ जो अपना साधन यानी कि हेलीपैड भी वहाँ बना हुआ है, हेलीकॉप्टर लेके भी वहाँ माँ वैष्णो देवी जाते हैं। अब ऐसी व्यवस्था वहाँ पर हो चुकी है। तो अब हम समझ लो कि हम पहुँच चुके हैं कटरा, और कटरा से हम 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार हैं। और बीच बीच के अंदर आप ये दृश्य पूरा देखते रहिए वैष्णो धाम का। और इन्होंने जो वैष्णो धाम जो बनाई है, बिल्कुल जम्मू के अंदर, जो जम्मू से दूर कटरा में विराजमान जो माँ वैष्णो देवी है, उसकी तर्ज के ऊपर इन्होंने ये मंदिर बनाया है। मैं चारों तरफ घूम करके इस मंदिर के दर्शन करवा रहा हूँ। और अब हम चलते हैं वापस, कहाँ, कटरा। कटरा से जैसे हम रवाना होते हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार के लिए, तो पहले आती है बाणगंगा। बाणगंगा वो स्थान है, वहाँ का पानी बहुत ठंडा है, और कहते हैं कि माँ वैष्णो देवी ने, जो शेरवाली माता है, उन्होंने अपने केस यानी बालों को धोया था, इसलिए इसका नाम कहते हैं कि बाणगंगा पड़ा। और बाणगंगा के बाद में वहाँ से थोड़ी दूर पर चलते हैं तो वहाँ आते हैं चरण पादुका। चरण पादुका वो स्थान है जहाँ माता जी ने अपने यानी यहाँ होने के सबूत दिए थे, यानी चरणों के निशान वहाँ माता जी के हैं, वो आज भी वहाँ हैं। वहाँ माता जी के चरणों के निशान हैं, पैरों के निशान हैं, उसे बोलते हैं चरण पादुका। और चरण पादुका के बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, पैदल की यात्रा करते हैं, तो भक्त लोग मिलते हैं और जयकारा लगाते हुए जाते हैं। पंजाबी लोग कैसे बोलते हैं, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा जय माता दी करदा जा। जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की, आवाज नहीं आई जय माता की, मैंने सुनिया जय माता की, वो दर्शन दे दो जय माता की, शेरों वाली जय माता की, पिंडी वाली जय माता की। ऐसे भक्त जयकार लगाते हुए माँ के दरबार जाते हैं। तो जैसे हम चरण पादुका से रवाना होते हैं तो हमें एक पहाड़ दिखाई देता है, उस पहाड़ का नाम है हाथीमथा। कभी आप वैष्णो देवी जाओ तो देखना हाथीमथा। हाथीमथा इस प्रकार का बना हुआ है, जैसे हाथी का जो सिर होता है ना, उस प्रकार से बना हुआ है हाथीमथा, उसे बोलते हैं हाथीमथा। और हाथीमथा से जब ऊपर चलते हैं, वैसे तो रस्ते में एक दो मंदिर और भी आते हैं, लेकिन वहाँ से अब चलते हैं तो बीच के स्थान के अंदर, जो बीच का स्थान आता है वहाँ हम पहुँचते हैं, तो उसको बोलते हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी के अंदर एक गुफा है जहाँ माँ वैष्णो देवी ने 9 महीने तक उसी के अंदर विश्राम किया था। बेरू राक्षस माँ के पीछे लग गया था मारने के लिए माँ को, तो बेरू राक्षस से बचने के लिए माँ वैष्णो देवी उस गुफा के अंदर विश्राम करती है 9 महीने तक। और उस गुफा की जो विशेषता मैं आपको बताऊं, जब कभी भी आप जाओ बहुत आनंद आएगा। उस गुफा के अंदर जैसे आप प्रवेश करोगे, तो प्रवेश करने के बाद जैसे आप बाहर निकलोगे, तो एक बच्चा 9 महीने तक जैसे पेट के अंदर से जैसे बाहर निकलता है, आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे आप गर्भ से बाहर निकले हो। क्योंकि गुफा जो बनी हुई है ना, उसके अंदर की जो पत्थरों की जो आकृति बनी हुई है, वो पता नहीं कितने हजारों साल से वो गुफा के अंदर का दृश्य इस प्रकार से बना हुआ है, जैसे एक अंदर पेट का निशान होता है, पेट होता है ना, पेट, अपना पेट, पेट का जो निशान होता है, उसी प्रकार से वो गुफा अंदर से बनी हुई है, कभी आड़ी कभी तिरछी। लेकिन उस गुफा की विशेषता है कि कितना भी मोटा व्यक्ति हो और कितना भी पतला व्यक्ति हो, सब अंदर मुस मुस के जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। आज तक उस गुफा के अंदर कोई भी व्यक्ति फंसा नहीं, और बाहर निकलने के बाद में जैसे वहाँ के लोग कहते हैं कि अब जितने भी जो पाप है
वो सारे पाप एक बार सारे खत्म हो गए, ऐसा लोगों का मानना है। और आगे हम चलते हैं गुफा से, लेकिन पहले अब गुफा की बात ही करेंगे, क्योंकि गुफा जो है उस गुफा को अर्धकुंवारी तो कहते कहते हैं और साथ में उसको गर्भजून और कहते हैं। गर्भजून भी इस गुफा का नाम है। और गर्भजून का जो दृश्य देखने के बाद में एक बाहर जैसे प्रवेश करते हैं तो एक सिलपट्टी सी लगी हुई है वहाँ पर, कहते हैं कि कोई भी अपना जो सिक्का है वो चिपकाओ, कहते हैं चिपक जाता तो बड़ा लक्की माना जाता है। तो कई लोग वहाँ उस सिक्के को चिपका के देखते हैं कि सिक्का चिपका या नहीं चिपका, ऐसा भी हमने सुना है। और चलो जी, अब हम गर्भजून की जो अर्धकुंवारी है उससे बाहर निकलते हैं, यानी इस गुफा से बाहर निकलते हैं। गुफा से बाहर निकलने के बाद में फिर हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, फिर हमें भक्त मिलते हैं और भक्त मिलते हुए हमें बोलते हैं, प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, आवाज़ नहीं आई जय माता की, दर्शन दे दो जय माता की, अर्धकुंवारी जय माता की, गुफा वाली जय माता, जय माता की, चरण पादुका जय माता की, बाण गंगा जय माता की, पिंडी वाली जय माता की, जय माता की, अरे पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा जय माता दी करदा जा, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा जय माता की करता जा। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे के अंदर हम ये वीडियो देखेंगे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी मेहनत से ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। चलो जी, हम गुफा से बाहर निकल चुके हैं और अब एक बार थोड़ा सा विश्राम देते हैं। और अब विश्राम देने के बाद हम वापस आते हैं बीकानेर के इस वैष्णो धाम के अंदर। अब आप देखिए बीकानेर का ये वैष्णो धाम, यहाँ भी इसी प्रकार से सीढ़ियाँ बनी हुई है। और हमारे साथ जो एक परिवार है वो परिवार इस वैष्णो धाम की यात्रा कर रहा है। मैं आपको वैष्णो धाम की पूरी यात्रा करवाऊँगा, 28 मिनट का वीडियो है, आप देखते रहिए। और बहुत ही शानदार नज़ारा है और ये जो बनाया गया है इस प्रकार से बनाया गया है कि जैसे वास्तव में ओरिजिनल पहाड़ हो। अभी और भी कार्य चल रहा है यहाँ पर, अभी और भी ये निर्माण होगा यहाँ पे, तो अभी वो गुफा नहीं आई है जिस गुफा की मैं आपको दर्शन करवाना चाहता था, अभी गुफा दूर है। गुफा आने के बाद में मैं आपको फिर एक बारी विराम लूँगा, पहले हम वहीं पहुँचते हैं वापस, कहाँ, कटरा के अंदर। अब गर्भजून से जैसे हम बाहर निकले तो आगे चलते हैं, पैदल चलते हुए भक्तों की अपार भीड़ है, खच्चर भी चलते हैं, कुछ पालकियाँ भी हैं वहाँ पे, जो बूढ़ी औरतें हैं जिनसे नहीं चला जाता है उस पालकी के बीच में बिठा करके उनको वहाँ यात्रा वो करवाते हैं, माता जी के दर्शन करवाते हैं। बड़ा ही अलौकिक दृश्य होता है, बड़ा ही शानदार दृश्य होता है ये, और सभी की भावना एक ही जुड़ी होती है, माँ वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी। और भक्त लोग कहते हैं हजारों लाखों चमत्कार हैं यहाँ पे, बहुत से चमत्कार हैं। और अब चमत्कार की बात मैं आपको बताऊं कि देखो, चमत्कार छोड़ो एक बारी, मैं आपको चमत्कार अभी कुछ नहीं बता रहा हूं, पहले मैं आपको पूरी यात्रा करवाता हूं, उसके बाद मैं आपको चमत्कार के बारे में बताऊंगा। हम वहां से जैसे पैदल जाते हैं तो वहां दूर से पहाड़ कैसे दिखाई देते हैं, दूर से मंदिर कैसा दिखाई देता है, वो मैं अभी आपको इसी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए। ये देखने के बाद में ये जो परिवार है वो परिवार आगे जा रहा है, देखिए आप, क्योंकि मुझे साथ साथ में ये वैष्णो धाम भी तो दिखाना आपको। देखो, ये निर्माण कार्य भी चल रहा है, ये आगे क्या बनाएंगे कैसे बनाएंगे, ये इनका दिमाग है, बहुत ही जोरदार दिमाग लगाया है इस वैष्णो धाम के अंदर। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ
और पहले हम यहाँ एक बार इस गुफा के अंदर चलते हैं वैष्णो धाम के अंदर, और उसके बाद फिर वापस हम माँ वैष्णो देवी चलेंगे। ये देखो ये गुफा है, ये एक जो परिवार है हमारे साथ है और ये गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा है। एक बार तो बहुत ही डर लगता है, ये देखो बच्ची, ओहो बच्ची को डर लग रहा है। ये देखो बच्ची एकदम साफ कह रही है मुझे बहुत ही भय हो रहा है, और इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। और इस गुफा के अंदर वैसे के वैसे सीन इन्होंने तैयार किया है जैसे वहाँ वैष्णो धाम के अंदर है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति वैष्णो मैया के यहाँ जम्मू नहीं पहुँच पाता है, तो एक बार नवरात्रि के अंदर बीकानेर का जो वैष्णो धाम है उसकी यात्रा जरूर करनी चाहिए। बहुत ही शानदार मंदिर है, ये देखिए कैसे पहाड़ों के बीच में से, हमने भी बहुत मुश्किल से इसको शूट किया, बहुत मुश्किल से शूटिंग की हमने। देखिए आप आगे थोड़ा सा जल आएगा, जल को भी पार करना पड़ेगा, और जल को पार करने के बाद में फिर माता जी का दरबार आएगा। पहले हम वैष्णो धाम के अंदर हैं, अब ये देखो यहाँ थोड़ा सा वो ही बिल्कुल सेम इन्होंने बनाया है कि यहाँ पानी है, इस पानी को पार करके ये जो दूसरी गुफा है उस गुफा के अंदर हमारे को प्रवेश करना पड़ेगा। और अब गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे और उसी गुफा के अंदर हमें माँ वैष्णो देवी के दर्शन होंगे। देखो वैष्णो देवी के जो दर्शन है वहाँ कोई मूर्ति नहीं है माता जी की, वहां तीन पिंडियां हैं। तो तीन पिंडी का मतलब है कि तीन पिंडियां जो उनका नाम है, पहली पिंडी है माँ काली जी की, और दूसरी लक्ष्मी जी की, और तीसरी सरस्वती माता की। ये तीन पिंडी के दर्शन होते हैं वहां पे। ये देखो अब सामने हम दरबार के अंदर आ चुके हैं और अब हम आपको दर्शन कराएंगे तीन पिंडी के। वो जो सामने दिखाई दे रहा वो है तीन पिंडी के दर्शन, पहली पिंडी माँ काली, दूसरी महालक्ष्मी और तीसरी महासरस्वती। दर्शन करिए आप, बहुत ही शानदार दर्शन है। आज आपको मैंने वैष्णो देवी माता के दर्शन करवाए हैं वैष्णो धाम के बीकानेर के, और इसी मंदिर के अंदर एक करणी माता का गुफा के अंदर मंदिर हो रहे हैं, आगे चलेंगे वो भी दिखाएंगे। पहले इसी मंदिर के अंदर और भी माता जी के, गंगा मैया की, हनुमान बाबे के मंदिर हैं, उसके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। फिर हम वापस चलेंगे जम्मू, जम्मू के दर्शन करवाएंगे आपको। पहले आप और ये हनुमान जी का मंदिर दर्शन करिए। देखो भगवान के तो दर्शन मात्र से ही लाभ होता है। और अब आपको दिखाते हैं, ये है करणी माता का मंदिर, माँ करणी जी, हमारी इष्ट माता श्री माँ करणी जी के दर्शन करिए आप।
देखिए कितने शानदार दर्शन। जय, एक बार जयकारा लगाएंगे, माँ करणी मैया जी आपकी जय हो। ये भी गुफा के अंदर इन्होंने दर्शन करवाए हैं, जिन्होंने भी ये मंदिर बनाया है उनको सत सत नमन है, उनको प्रणाम करता हूँ मैं। और अब हम बाहर का दृश्य एक बार दिखा रहे हैं, फिर हम वापस पहुँचते हैं। मैंने आपको कहा था हम घूम फिर के पूरा दृश्य आपको दिखाएंगे, ताकि आपको यह महसूस हो कि हम वैष्णो धाम के अंदर इधर उधर फिर के पूरा का पूरा आनंद ले रहे हैं। आप ये वीडियो देखोते कम से कम आप आधा घंटा हमारे को वक्त देना ये वीडियो देखने के लिए, बहुत आनंद आएगा आपको, हर चीज़ दिखेगी। और जब भी आप वैष्णो धाम जाओगे तो आपका ये वीडियो देखा होगा तो आपको और भी देखने का वहाँ आनंद आएगा। ये एक परिवार हमारे साथ में है, वो वैष्णो धाम देख रहा है, बहुत आनंद ले रहे हैं ये। तो अब क्या है कि वहाँ से जब हम रवाना होते हैं, कहाँ से, अर्धकुंवारी से ऊपर जैसे पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद में वहाँ घुटियाँ वगैरह लगी हुई है ठंडे पानी की, और लाइन में भी लगना पड़ता है। और वहाँ पहुँचने के बाद में एक ऐसी गुफा है जिसको गुफा को अब उन्होंने बंद कर दिया है, उस गुफा के अंदर लेट करके माता जी के दरबार जाना पड़ता था, लेकिन अब एक ऐसी व्यवस्था हो गई, इन्होंने एक ऐसी गुफा तैयारी कर दी है, आप सीधे खड़े खड़े जाओगे और तीन पिंडी के दर्शन करके दूसरा जो रास्ता है उस रास्ते से वापस निकलाओगे। वो माता जी का दरबार, तीन पिंडी के दर्शन जब आप करोगे तो बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। और मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि देखो कि दूर से जो पहाड़ों के अंदर माँ के मंदिर के जो दर्शन दिखाई देते हैं वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और अब आप वैष्णो धाम के दर्शन करिए। आज मैंने आपको साथ साथ में जम्मू से दूर कटना विराजमान जो माँ वैष्णो देवी, उसके भी जो मेरे को जो पता था वो मैं बात आपको मैंने बता दी, दर्शन करवा दी, यात्रा करवा दी। और अब आप पूरा वीडियो वैष्णो धाम का देखिए। आप
आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने आपको बीकानेर का जो वैष्णो धाम है उसके दर्शन करवाए, और अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपके पास आएंगे और आपको दर्शन कराएंगे। देखते रहिए हमारा चैनल रतनगढ़ धार्मिक। आपसे निवेदन करेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर ज़रूर बताना कि वैष्णो धाम आपको कैसा लगा, और एक बात आप ज़रूर बताना कि आपकी जो इष्ट मातेश्वरी है वो कौन सी माता है, ताकि उसी के अनुसार हम दूसरा वीडियो तैयारी करें और उसी माता के बारे में आपको पूरी पूरी जो भी जानकारी हमारे को जो भी जानकारी वो आपको जानकारी दें। छोटी मोटी जो भी जानकारी हमारे को मिलती है वो जानकारी आपको देंगे, और लाइक भी करना, दो भक्तों को शेयर भी करना, और देखते रहना हमारा चैनल रतनगढ़ धार्मिक। मैंने आपको घूम फिर के पूरा का पूरा दृश्य दिखा दिया, और साथ में जम्मू की भी आपको यात्रा करवा दी, माँ वैष्णो देवी धाम की आपको यात्रा करवा दी। कभी वैष्णो धाम अब अगर आप कभी जाओगे तो वहाँ के दर्शन करोगे तो आप कैसे, कहाँ से प्रारंभ करोगे, कहाँ से आप मतलब कि कहाँ आपको माँ वैष्णो देवी के तीन पिंडी के दर्शन होंगे। क्यों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे भगत जाते हैं कि दरबार के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो जब बाहर आता है तो कहता है हमें पता नहीं है कि मंदिर के अंदर माता जी कहाँ थी, क्योंकि वहाँ मंदिर के अंदर सिर्फ तीन पिंडियाँ हैं, तीन पिंडी के दर्शन होते हैं। इसलिए कभी भी आप माँ वैष्णो देवी दरबार जाओ तो ध्यान करना कि वहाँ माता जी की मूर्ति अंदर नहीं है, वहाँ सिर्फ तीन पिंडी के ही दर्शन होते हैं, और वहाँ के पंडित जी जो हमें खजाना भी देते हैं वो खजाना आप जरूर लेकर के। धार्मिक आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक। सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।